अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मेरी स्विमिंग पूल हुई है, 10 भी बजा होती है मैंने, अब पता लगे वो नाश्ता जो है ना बस वाइटअप कर रही है, ऊपर जाना था। आज का प्लान है कि हमने जाना है ब्लू मॉस्क, आएगा सोफिया और खाना खाना है, पिक्चर बनानी है, फिर खाना खाना है और फिर पिक्चर बनानी। लेट्स गो। आज मैंने अपने साथ दो जुलम किए हैं, आज दूसरा दिन है जिसमें मैंने चाय नहीं पिया, तो मेरी आज आंखें जो है ना खुल नहीं रही, बंद हुई। दूसरा जो है ना मैंने पूरी वॉक होती है, ऐसे जब कहीं घूमने फिरने आते होता आपको कंफर्टेबल जूते पहने चाहिए, आज मैंने पहन लिया वेजेस क्योंकि मुझे लंबे होना था। लेकिन ना यार मुझे तो अभी मैं ना कोई 3 सेकेंड दूर आई हूँ रेस्टोरेंट से और होटल से, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि सीन गलत है मेरा, ये जूते पहनने में चेंज कर लेने चाहिए। स्टार्ट ऑफ द डे, एक बड़ी पानी वाली बॉटल। ऑल दिस इज लोकल टर्किश मार्केट, इट्स नॉट लाइक लोकल, सम ब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी एंड सम फेक ब्रांड्स एज वेल। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे पार्क्स हैं एंड द सिटिंग एरिया, दैट्स ऑल। अभी हम जा रहे हैं हागिया सोफिया एंड ब्लू मॉस्क, और रात में जब हम यहाँ गए थे वैसे ही वॉक अराउंड कर रहे थे तो देखा था कि ना कुछ फोटोशूट हो रहा था, बट जो कि रूफ टॉप है ना काइंड ऑफ वैसा बट थोड़ा चीपर प्राइस में, मतलब तो रूफ टॉप था ये, लाइक उन्होंने अपने ना शॉप के अंदर ही ऐसा सेटअप बनाया होता। मैंने कहा कि अगर रूफ टॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था, तो ये ट्राई करना, लेट्स सी के करती हूँ या उसका भी माइंड चेंज होता है। गर्मी बहुत है भाई, अब हमने छोटा सा स्टॉप लिया है शिफ्ट के लिए। नजर नहीं आ रही, तख्तों के पीछे छुपी हुई है, और उस तरफ है हागिया सोफिया और उधर अभी हमने जाना है, पहले इधर से हुए हैं। चुन्नी घर से लेकर आए, नहीं तो फिर वो मारते भी हैं फिर चुन्नी भी देते हैं। क्या पता मुझे याद भूल गया, लेकर निकाली थी मैंने पर मैं लेकर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। खैर कोई नहीं, मिल गई है, बगैर दुपट्टे के कोई एंट्रेंस नहीं है, कपड़े भी पूरे पहन कर आए हैं और स्कार्फ भी लेकर आए, मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद का एहतराम करें। अभी इनका ख्याल अच्छी अपने जूते हाथ में पकड़े एंड लेट्स गो। इतना अच्छा लग रहा है जूता उतार के, मज़ा ही आ गया। आराम से कौन सा बैठने का जो मज़ा है ना, भाग दौड़ रही उम्र में बस बैठ गए आराम से, सर नींद बहुत आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है। पहले कर मैं सो रही, पैरों को भी सुकून आया बैठ के, सोने का दिल कर रहा है, जूतों के सामने बैठ गए। एवरीवन जस्ट वॉकिंग। अभी मैं खाने लगी हूँ कुम्फिर, घूम फिर के खाने लगी हूँ कुम्फिर, मतलब इसके साथ बेक पोटैटो। लेट्स सी, पोटैटो का साइज चेक करें आप, तो पोटैटो का बिग फादर है, ऑल टॉपिंग व्हाट वी वांट। लेट्स सी, मैं लूँगी ये वाली ऑलिव, मेरे पास जितना भी है ना सब कुछ डाल दो। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। आई जस्ट डिड अ फोटोशूट, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल भी नम खुशी नहीं मिली कहा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ। इतने मैं कहती हूँ टर्की वाले हैं ना, कि मैंने उनको बोला कि ना बाहर बहस की कि डिजिटल चाहिए फोटो, दिक्कत है नहीं ना, अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ है ना फ़ोन अलाउ है, व्हाट वी आर पेइंग यार, इतने लीरास, इतने पाउंड, इतने यूरोस, बट देयर इज नो पिक्चर, नहीं कोई पिक्चर नहीं, कोई पिक्चर नहीं। तो अच्छा फिर मान गया डिजिटल एक मिलेगी, फिर जब सारी सेलेक्ट की मैंने कहा चलो सारी सेंड कर दो तुम लोगों की किस काम की मेरी फोटोज, और मेरी एक भी मुझे अच्छी नहीं लगी है। लेट मी शो यू कि एक कौन सी आई है, मतलब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, पता नहीं क्यों, या तो या मेरे एक्सपेक्शंस अच्छे नहीं थे या उन्होंने, मतलब पता नहीं यार, आई कांट एक्सप्लेन, लाइक सी दिस पिक्चर इज नॉट दैट गुड जो मुझे चाहिए, आई डोंट नो। अक्लमंदों के ना घाटा नहीं है दुनिया में, लेकिन सारे अक्लमंद मेरे साथ हैं इस टाइम पे, मुझे मिला के एक घंटे की वॉक करके खाना खाने का डिसीजन लिया, क्योंकि अभी इतनी भूख नहीं है, जब एक घंटे की वॉक करेंगे तो भूख लग जाएगी, लेकिन वापसी पर डिसाइड किया जाएगा कि ज़्यादा खाकर खाना खा लिया तो फिर भी एक घंटे की वॉक करके वापस आएंगे, बल्कि एक घंटे से ज़्यादा ही है, क्योंकि 25 मिनट की, एक घंटा 25 मिनट की, और अगर ज़्यादा खाना ना खाया, नॉर्मल खाया, तो हम ट्राम लेंगे। चेक करें वाइज डिसीजन वाइज ट्रैवलिंग।
टर्की में मैंने एक चीज़ नोट की है कि टर्की में एक तो थोड़े से ना रूड है टर्किश लोग, थोड़े से ज़्यादा ही रूड है मुझे, और ना इधर स्टोरी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अगर चलते फिरते, क्योंकि बिजी इन मार्केट तो आप अगर किसी के साथ लग जाते हो आपका हाथ थक जाता है या आपका बैग लग जाता है तो लोग सॉरी बोलते हैं, यूजली पाकिस्तान में भी बोलते हैं, यूके में तो सॉरी बोलते बोलते घर तक आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग इतने बदतमीज़ हैं कि नहीं बोलते सॉरी। और ना जिस तरह आप जब पब्लिकली चल रहे होते हो तो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा लाइट वेट रखते हो, लाइक इफ़ यू आर एक्सीडेंटली बम्प इनटू समवन एल्स तो आप इतना मतलब उसको फील ना हो कि आपने वज्जे हो जाकर। यहाँ पे तो लोग चलते हैं ऐसे ऐसे करके कंधे मारते हैं, मेरा बाजू निकाल उस बंदे ने, मैं मुड़ के देखा उसे, मैंने कहा शायद सॉरी बोलेगा, पर नहीं 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 सॉरी नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते, ये मारा भी और सॉरी भी नहीं बोला। एक घंटे की वॉक करके आए हैं और अब डिसाइड किया कि इधर से नहीं खाना खाना, साथ एक रेस्टोरेंट है उधर से खाना खाना। वैसे तो इसका रिव्यूज वगैरह अच्छे थे पर हमें सिटिंग कोई इतनी अच्छी नहीं लगी, अंदर गर्मी बहुत थी और आउटडोर कोई नहीं था, सोचा कि एक और रेस्टोरेंट है अलादीन, लेट्स गो देयर एंड चेक हाउ इज़ द फूड ओवर देयर। फाइनली आवर फूड इज़ हियर, वन इज़ चिकन बिरयानी, वन इज़ मटन बिरयानी, जो अच्छी होगी वो मेरी होगी, दैट्स द रूल। खाना खाना खा लिया अब वापस जा रहे हैं, पर मैंने बोला था कि टेक्सम्स के और इस तक लाउस भी जो है ना नाइट में भी देखने हैं, क्योंकि जो सुबह में देखा है उसका मज़ा वो ही होगा जो रात में है, तो अब रात में देखने के लिए आए हैं। रात में यार ज़्यादा रौनक है, दिन में भी रौनक थी लेकिन रात के मज़े अपने ही हैं। आज छोड़िए अब अगेन एट ग्लाटा टावर, कल तो सोचा था नहीं आऊँगी इतना सफ़र था, पर अब रास्ते में आ रहा था तो सोचा होते हुए जाएँ, टू क्राउडेड उस टाइम पे ना यहाँ पे, इसलिए मेरी पिक्चर अच्छी आ गई थी, इतना क्राउडेड था क्योंकि उस टाइम ना बारिश शुरू हो गई थी और बारिश के फौरन बाद हमने पिक्चर ले ली, हम ये भी खड़े रहे, लेकिन अभी बहुत रश है, अब तो यहाँ पे पिक्चर क्या लेना, लाइक आई वॉन्ट टू ईट समथिंग फ्राम दिस रेस्टोरेंट्स बट ऑल दिस फुल, अभी ये या तो फिर वो जिस रेस्टोरेंट में पहले चीज़ केक खाया था उधर से खाएँ, क्योंकि अभी खाना तो खा लिया, बट जस्ट वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट, या तो उसी रेस्टोरेंट में खाएँ जाके वापस से, यहाँ तो फिर मेरा मूड था बाहर आज बैठ के खाएँ, रूफ टॉप में भी मुझे लगता है कि हर रेस्टोरेंट के बाहर जो है ना क्यू लगी हुई है, खड़े नहीं होने का मूड मेरा। फाइनली आज के वाला गर्दी भी ख़त्म हुई, डे स्पेंड वेरी वेरी वेल, कोई हमने 4 घंटे की वॉक की हुई है और मेरे ना पैर के अंगूठे के ऊपर छाला निकल आया, अब मुझे ये नहीं लग रहा कि वो चल चल के निकला है, मुझे लग रहा है कि मेरे पैर के ऊपर ना कुछ गिरा था कुछ गर्म, क्योंकि छाला चलने से तो नहीं बनता, वो मेरा भी बिल्कुल एज पे था, वो अंगूठा जो ना वो जूते से बाहर था, आई डोंट नो कि वो क्या हुआ है कैसे हुआ है, बट सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अभी के लिए बस हो गई है, बाय बाय।